ये अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री को इस प्रकार जेल तक डाल देना। इन्होंने मौलाना मौलवी काजियों को जब सैलरी दी तब किसी एलजी ने नहीं रोका। उन्हीं भ्रष्ट नेताओं की गोद में जाकर बैठ गई अरविंद केजरीवाल। प्रारंभिक चरण में मुकदमा है, अब देखिए आगे आगे क्या होता है। ये तो मुकदमा प्रारंभिक चरण में हो या अंतिम चरण में हो, बात है गलती की। एक सीनियर पॉलिटिशियन का, एक्स सीएम का इस तरह से गलत बोलना ठीक है क्या? देखिए आरोप लगाना और आरोप सिद्ध हो जाना दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अच्छा। और जब आरोप सिद्ध हो जाए तो उसमें अपराधी मान लिया जाता है, लेकिन उन पर आरोप लगे हैं अब उसमें क्या घोटाला हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या उसमें कैट की रिपोर्ट आएगी, क्या उसमें वहाँ लेखा परीक्षक उन्होंने ऑडिट किया है, क्या उसमें कमियां पाई गई हैं, ये इसमें अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो सर यदि आरोपों में दम ना होता, लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस प्रकार जेल तक डाल देना, जेल तक पहुंचा देना, और चलाना, मेरा लगता है ये जनता की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का कार्य किया गया है। देखिए यदि आरोप हल्के होते, तथ्यों पर आधारित ना होते, तो क्या लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट इनको 1.5 साल सिसोदिया जी को अंदर रखती? क्या वो सतेंद्र जैन भी 1.5-2 साल के बाद बाहर आए? तो बिना सबूत के इन्होंने भारत के सबसे महंगे, सबसे इन्फ्लुएंशियल वकील अभिषेक मनु सिंह भी, जिनका किसी समय में नाम था कि जज बनाने के अंदर, न्यायाधीश बनाने के अंदर भी उनकी भूमिका रहती है, इतने बड़े वकील जिनको जनता के टैक्स पेयर का 200 करोड़ से ऊपर दे चुके हैं। और ये देखियो यदि अदालत जमानत देती है ना किसी को, मैं बता दूं यदि कोई अपनी 1/3 सजा पूरी कर लेता है तो उसका राइट बनता है बेल लेने का। देखो अदालत कहती है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इनको जो बेल मिली है वो कितनी शर्तों के साथ मिली है। बेल तो हेमंत सोरेन जी को भी मिली थी, लेकिन क्या अदालत ने उनके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे जो अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया जी के ऊपर लगा? इनके पासपोर्ट तक जमा हो गए हैं, बताओ भाई सबको पासपोर्ट तक जमा है, शर्त है, और कई चीज़ों में लगातार माफ़ी मांग रहे हैं। वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, कोई भी मुकदमा चलता है तो पासपोर्ट और कोर्ट को जानकारी देनी ही पड़ती है कि आप कहीं कोई भी कहीं भी जाएं तो अब उसको जानकारी कोर्ट को देनी पड़ती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट उनको ये तो कंसिडर कर रहा है कि इन्होंने गलत किया है भाई। कंसिडर अभी कोर्ट ने अपनी कोई भी वो नहीं, प्रतिक्रिया नहीं दी है अभी, कोई भी कमेंट या कोई भी आदेश उन्होंने नहीं दिया अभी। उनका जो हक था उन्होंने वो जमानत का वो उनको मिला है, उसमें अब जो है आरोप तय होंगे, उसमें चार्जशीट पेश की जाएगी, उसमें सबूत पेश किए जाएंगे, उसे फिर उसका एक बहस होगी वकीलों में, तब जाके कहीं आप न्यायालय जो है अपने। प्रारंभिक है भाई मामला, अभी कह नहीं सकते सर। ये प्रारंभिक है मामला, ठीक कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बने रहने का हक है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ राजनीति करने का बिल्कुल हक है, हक तो लालू जी को भी था। लालू जी के ऊपर इतने घोटाले की जांच चल रही थी, बेल पर बाहर थे, इलेक्शन भी लड़ा, जीत कर भी आए, लेकिन इलेक्शन लड़ा और जीतने का ये मतलब नहीं कि लालू जी इनोसेंट थे। 12 साल बाद कन्विक्टेड हुए थे लालू जी, 12 साल बाद सजा दी थी अदालत ने उनको अलग अलग केसेस में। तो कहने का मतलब जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब जनता चुनकर दोबारा उनको लाएगी, मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊं तो ये टेक्निकल तरीके से ये अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। रीज़न क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं वो क्या दोबारा जब चुनकर आएंगे तो वो प्रतिबंध हट जाएंगे? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये प्रतिबंध लगा रखा है ना कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, तो क्या दोबारा सीएम बनेंगे तो तब जा सकते हैं? सचिवालय नहीं जा सकते, बिना एलजी के परमिशन के कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, तो ये प्रतिबंध जो है ये तब भी बरकरार रहेंगे। ये खड़ाओ मुख्यमंत्री, जो नई कम्युनिस्ट खड़ाओ मुख्यमंत्री जो मिली हैं, वो चाहे झूठे आरोप कितने भी लगाएं उनका, देखो ये कह रहे हैं मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, अधिकारी नहीं सुन रहे, जब इन्होंने अभी अपना जो दिल्ली के विधायक हैं उनका बजट इन्होंने 50% बढ़ा दिया, 10 करोड़ से 15 करोड़ कर दिया। और जानकारी के लिए बता दूं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विधायकों को फंड जो है, एमएलए फंड जो है, वो दिल्ली के विधायकों को। अच्छी बात है सर, बहुत, हाँ आपने ये बात अच्छी कही कि विधायकों का फंड बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विधायकों को जो पहले से फंड दिया गया है मात्र 20% उन्होंने उसका खर्च किया है, तो अभी तो सिर्फ 20% खर्च हुआ, 80% अभी रहता है। तो खर्च तो तब हो ना जब जनता के बीच में जाके कोई काम करे, काम करना नहीं। 20% खर्च हुआ, 80% पड़ा, उसके बावजूद 50% फिर से बढ़ा दिया गया। देखो जब इन्होंने विधायकों का फंड बढ़ाना है तब इनको कोई एलजी नहीं रोकता, जब विधायकों की इन्होंने सबसे पहले आके सैलरी बढ़ाई थी तब किसी एलजी ने नहीं रोका। ये इन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ से ऊपर दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा दे दिया, तब आरटी का जवाब है ये
तब इसको किसी ने नहीं रोका। इन्होंने मौलाना मौलवी काजियों को जब सैलरी दी तब किसी एलजी ने नहीं रोका। जब जनता के हित के कार्य करने हैं क्या तभी एलजी इनको रोकते हैं? तब कभी कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे भाई साहब? अब मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी और बीजेपी में जो भी कुश्ती चली है इन्होंने, नीरा नूरा कुश्ती, पिछले 10 सालों में भी पब्लिक ने देखा कि ये जो है एक शासन दिल्ली का जो है सफल नहीं रहा है और जनता के कई भी रुके हुए काम पड़े हुए हैं, कोई कार्य ऐसा हुआ नहीं है जो दिखाई दे, तो ये तो स्पष्ट जनता को जा ही रहा है। तो मैं सोचता हूँ अगर नया जनता के पास अब कोई नया विकल्प उनको चुनना चाहिए और जनता आपकी बारे कोई नया विकल्प चुनेगी, लेकिन मैं समझता हूँ बीजेपी को तो नहीं चुनेगी। देखिए बीजेपी को नहीं चुनेगी, बीजेपी वालों को दिल्ली वालों ने भी पहचान देखा कहाँ, 26 साल से बीजेपी शासन दिल्ली के मुख्यमंत्री में नहीं है। देखो 1952 में बने थे बीपी यादव, 56 में दो मुख्यमंत्री हुए थे और 56 से लेकर 92 में आए थे मदनलाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री। 92 से 98 तक रही बीजेपी की सरकार, 98 के बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री नहीं रहे 98 से लेकर टिल टुडे। देखो बीजेपी को अभी तक मौका नहीं दिया, कांग्रेस को मौका जरूर दिया गया। और मैं यदि आपको जानकारी के लिए बता दूं तो शीला दीक्षित ने कुछ सराहनीय कार्य किए भी थे उस समय, दिल्ली में कई फ्लाईओवर बने, दिल्ली में ग्रीन दिल्ली बनी, काम हुए थे। लेकिन ये केजरीवाल जो शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाकर जो कह रहे थे कि मेरे पास इतने पन्नों की पेज है, मैं आऊँगा तो इनके इतने घोटाले, बाद में ये उसी कांग्रेस की गोद में बैठ गए थे ना, और पहली बार ये 28 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के समर्थन से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पहली बार उसी के समर्थन से ही बने थे। लेकिन ये देखो जिनको इन्होंने चोर बोला, जिनके ऊपर भी अरविंद केजरीवाल ने घोटालेबाज चोरी के आरोप लगाए, ये भ्रष्ट नेता है, ये भ्रष्ट नेता है, बाद में उन्हीं भ्रष्ट नेताओं की गोद में जाकर बैठ गई अरविंद केजरीवाल। तो जनता देख रही है इनकी नौटंकीबाजी।